प्री डायग्नोसिस ऑफ द फंगल एलिमेंट में हम लोग ये थर्ड वीडियो पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था ओवरऑल, फिर वहां पे हमारा कल्चर वाला पार्ट छूट गया था, तो सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है वो कल्चर पे ही है। तो अभी हमने पढ़ा कल्चर मीडिया क्या होता है, एसडीए क्या होता है, जितने भी आधार होते हैं उनको पढ़ा और कुछ कंडीशन को पढ़ा। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कल्चर आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। सिंपली इसका मतलब है कि हमारा कल्चर मीडिया में फंगाई ग्रोथ कर चुकी है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि वह कौन सी फंगाई है या क्या उसमें से हम लोग क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम लोग क्या करेंगे, हमारा कल्चर मीडिया तैयार हो चुका है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी ग्रोन ऑन द कल्चर, या तो आप ऐसे कीजिए, या कल्चर से जो कल्चर हमारा प्रिपेयर हुआ है वहां से आप उसके पार्ट को लीजिए और उसको माउंट या उसको स्टेन कीजिए, एलपीसीबी या किसी भी माउंट से या स्टेन से आप स्टेन कर सकते हैं, फिर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखिए। ये दो चीजें आप कर सकते हैं। होता क्या है, इन सब प्रोसेस में हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते क्या है, या तो हम लोग कॉलोनी को देखेंगे फंगस के, या तो फंगाई को देखेंगे, या तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी देखेंगे या माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंगाई को देखेंगे। तो एक एक करके समझते हैं, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंगाई को। हम लोग पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंगाई को, फिर पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी को। हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ फंगाई को। यहाँ पे हमें तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट माउंट के बारे में, फिर स्लाइड कल्चर के बारे में, फिर सेलोफेन टेप माउंट के बारे में, क्योंकि तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक करके डिटेल में समझेंगे तीनों को। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीस्ट माउंट क्या होता है, उसके पहले ये समझिए कि टीजिंग क्या होती है, व्हाट इज द टीजिंग। तो सबसे पहले सिंपल सा भाई, टीजिंग का मतलब होता क्या है, जैसे आपको क्या लेना है, फंगल का कल्चर से हम लोग एलिमेंट लेना है और हमें वहां पे अपना माउंट या एलपीसीबी माउंट को डालना है, तो उसको क्या करना है आपको, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से टीजिंग की जा रही है। जो ऊपर कॉर्नर को डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे देखिए, मतलब थोड़ा सा उसको स्प्रेड करना है। हालांकि यहाँ पे वीडियो नहीं दिखा सकता मैं टीजिंग कैसे करते हैं, कि आप समझने की कोशिश कीजिए हमें लेना क्या क्या चीज है। हमें लेना है फंगल कॉलोनी को लेना है और एलपीसीबी माउंट को लेना है और यहाँ पे टेस्ट करना है। तो लेंगे हम फंगल कॉलोनी, टेस्ट करेंगे उसको एलपीसीबी माउंट के साथ, उसमें उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। सही बात, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिंग में हम लोग को दो चीज को देखना है, एक तो नेचर ऑफ हाइफी देखना है, क्या देखना है, एक तो नेचर ऑफ हाइफी, एक टाइप ऑफ स्पोरुलेशन। तो नेचर ऑफ हाइफी में क्या देखेंगे, तो वहां पे देखेंगे हाइफी में क्या सेप्टा प्रेजेंट है या नहीं, तो सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ये चेक करना है। फिर क्या देखेंगे, अगर सेप्टा एसेप्टा, चलो बात बात है, अब हाइफी में कोई स्पोर प्रेजेंट है या नहीं है, अगर स्पोर प्रेजेंट नहीं है तो उसको हाइलिन बोलते हैं, या तो प्रेजेंट है जो कि ब्राउन कलर का तो उसको फियोइड बोलते हैं। डिटेल जाने की जरूरत नहीं है आपको, तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। फिर बात करते हैं हाइफी हमारा जो है वो नैरो है या वाइड है, तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ हाइफी के बिहाव पे। फिर क्या करेंगे, टाइप ऑफ स्पोरुलेशन के बिहाव पर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वहां पे स्पोर कौन सा बन रहा है, कुनेडिया बन रहा है या स्पोरोंजियो स्पोर बन रहा है। अब बात आती है कुनेडिया क्या होता है या स्पोरोंजियो स्पोर क्या होता है, तो उसको समझते हैं। सिंपल सा है, ज्यादा डिटेल नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल सी बात है कि कुनेडिया क्या होता है और स्पोरोंजियो स्पोर क्या होता है। देखिए कुनेडिया जो होता है वो एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिटोमाइसिटिस में पाया जाता है, जो स्पोरोंजियो स्पोर है वो जाइगोमाइसिटिस में पाया जाता है। अब समझते हैं इसको ऐसे, जो एस्कोमाइसिटिस या बेसिटोमाइसिटिस में कुनेडिया है वो एक्सटर्नली प्रेजेंट रहता है, मतलब किसी सैक के अंदर नहीं रहता है, जो स्पोरोंजियो स्पोर है वो सैक के अंदर इंटरनली प्रेजेंट रहता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुनेडिया बाहर प्रेजेंट है, कोई सैक में प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे देखिए सैक में अंदर इंक्लोज्ड है। ये हुआ कुनेडिया और स्पोरोंजियो स्पोर का डिफरेंस। अब पढ़ते हैं स्लाइड कल्चर क्या होता है, मतलब में स्लाइड के ऊपर कल्चर को बनाना है, सिंपल सा मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेट्री डिश लेंगे, उस पर थोड़ा सा टिश्यू पेपर आप रख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, दो ग्लास के रॉड लेंगे, उसको कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेस कर देंगे। बस हमें हॉरिजॉन्टल रॉड को प्लेस क्यों कर रहे हैं, बस हमें ऊपर एक स्लाइड रखना है इसलिए कर रहे हैं। चाहे तो आप दो हॉरिजॉन्टल रॉड लीजिए या आप एक यू शेप का फोल्डेड ग्लास रॉड ले सकते हैं, उस पर क्या करना है आपको, स्लाइड को रखना है। स्लाइड को रखने के बाद आपको क्या करना है, अगार के प्लेट से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब लेना है, ब्लॉक लेना है, उसको काट करके हमें स्लाइड के ऊपर रखना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम इसके ऊपर जब हम लोग उसको क्लोज करेंगे तो वह उससे छोटा होना चाहिए, जो हमारा कवर स्लिप होगा उससे वह छोटा होना चाहिए, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही ले रहे हैं। तो यहाँ से कट करके हम स्लाइड के ऊपर
रखेंगे उसको। उसके बाद क्या करेंगे, जो इनोकुलेटेड हमारा फंगल कॉलोनी है, जो ऑक्युलेटेड फंगल कॉलोनी है उसको लेंगे और जो हमारा अगार का ब्लॉक है उसके चारों तरफ मार्जिन पे उसको अटैच करवाएंगे। ध्यान रखना है कि मार्जिन से टच होना चाहिए, तो हमारा कुछ इस तरह से फाइनली बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक कवर स्लिप को रख देंगे, कवर स्लिप को रख देंगे, उसको जेंटली प्रेस कर देंगे और कवर स्लिप को रख देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए। अलग अलग फंगी का अलग अलग टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसको वहां पे छोड़ देंगे। कम से कम 5 से 10 दिन तक छोड़ते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर जरूरत पड़ी तो और लंबा हम लोग रुक सकते हैं, लॉन्गर टाइम इफ नीडेड। सो उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हम लोग, अब हमें क्या करना है, हमारा अब इसको स्टेन करना है ना, स्टेन करके तभी देखेंगे ना। तो हम लोग मान लीजिए एलपीसीबी माउंट को ले रहे हैं। मैंने आपको बताया कि माउंट और स्टेन में क्या अंतर होता है, आप देख सकते हैं उसको। यहाँ पे हम लोग एलपीसीबी माउंट को ले रहे हैं, एलपीसीबी माउंट को लेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा अभी हम लोग प्रिपेयर किए थे, तो हम लोग ऊपर क्या रखे थे, ऊपर एक हम लोग कवर स्लिप रखे थे। अब उसी कवर स्लिप को निकालना है, बाकी अगार से मतलब नहीं है, बस कवर स्लिप को निकालना, क्योंकि वहां पे फंगल कॉलोनी टच कर चुकी होगी, तो उसको वहां से निकालेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे रख देंगे। देखिए ये प्रोसेस तब किया था जब फाइनली जो फंगाई हमारी प्रॉपरली ग्रोथ कर चुकी हो, मतलब 10 से 15 दिन रुकने के बाद यहाँ पे कवर स्लिप को रखेंगे और बाद में हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये तो एक बार हम लोग कवर स्लिप से स्लाइड बना रहे हैं। एक तरीका और है, हमें करना क्या है सिंपली, देखिए एक बार हमने क्या किया कि स्लाइड से, यहाँ से कवर स्लिप से हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस स्लाइड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या रखा हुआ था, अगार था और फंगल कॉलोनी थी, तो इसके ऊपर भी कुछ मटेरियल फंगल कॉलोनी के लग गई होंगी, कुछ ग्रोथ मटेरियल यहाँ पर भी होगी, तो हम लोग इस स्लाइड को भी यूज कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने क्या किया, अगार जो ब्लॉक था उसको भी हटा दिया और उसके साइड से जो थे इनोकुलेटेड फंगल कॉलोनी उसको हटा दिया, तो बचा क्या हमारे पास, बचा यही जो हमारा नीचे वाला स्लाइड था, तो इसको भी हम लोग सिंपली देख सकते हैं एलपीसीबी माउंट के हेल्प से। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं एक बार पूरी स्लाइड कल्चर को, स्लाइड कल्चर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने पेट्री डिश लेंगे, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक बेंट ग्लास रॉड को रखेंगे, फिर उसके ऊपर हम लोग स्टेराइल स्लाइड को रखेंगे। उसके बाद हम लोग स्क्वायर अगार ब्लॉक को रखेंगे जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा। फिर उसके ऊपर हम लोग फंगल कॉलोनी, जो हम लोग फंगल कॉलोनी इनोकुलेट किए हैं उसको अगार के मार्जिन पर लगा देंगे। फिर उसके ऊपर हम लोग कवर स्लिप को रख देंगे, उसके बाद हम लोग उसको इनक्यूबेट कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिन के लिए। फिर क्या करेंगे हम लोग एलपीसीबी माउंट का यूज करके उसमें हम लोग स्टेन करेंगे और उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जो स्लाइड है हमारा वह हम लोग दो तरह से हम लोग एलपीसीबी माउंट बना सकते हैं, या तो कवर स्लिप का यूज करके या जो नीचे वाली स्लाइड है उसको यूज करके। ये हुआ हमारा स्लाइड कल्चर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेलोफेन टैप माउंट में, उसमें क्या होता है, सिंपली आपको एसडीएफ प्लेट लेना है, उसमें फंगाई को ग्रोथ करवाना है, फिर क्या करना है आपको सेलोफेन टैप को उसके ऊपर लगाना है। किसके ऊपर, एसडीए प्लेट के ऊपर, ग्लास पे नहीं, सरफेस पे, जो हमारी कॉलोनी है उसके सरफेस पर सेलोफेन टैप को लगाना है, जिससे क्या होगा कि सेलोफेन टैप के ऊपर फंगल कॉलोनी का इम्प्रेशन आ जाएगा, फिर उस पर हम लोग एलपीसीबी माउंट के थ्रू उस सेलोफेन टैप को एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। यह स्लाइड कल्चर से काफी इजी प्रोसेस होता है, स्लाइड कल्चर काफी एक टीडियस प्रोसेस है और इसमें फंगल कॉलोनी की फंगल की मॉर्फोलॉजी भी मेंटेन रहती है। ये हुआ सेलोफेन टैप माउंट और स्लाइड कल्चर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द फंगल कॉलोनी को, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी। तो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ कॉलोनी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है कि कॉलोनी का ग्रोथ होने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। फिर देखना है पिगमेंटेशन, मतलब कलर कौन से फॉर्म हो रहे हैं। देखना है टेक्सचर, मतलब अगर हम लोग टच करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा, महसूस कैसा होगा, कैसा अपीयर होगा, उसको क्या टेक्सचर। फिर कॉलोनी टोपोग्राफी, उसको पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ मतलब डेफिनेटली जहाँ रेट आया मतलब स्लो या फास्ट होगा, मतलब रैपिड ग्रोथ होगा या तो स्लो ग्रोथ होगा। रैपिड ग्रोथ किसको बोलेंगे, 15 डेज के अंदर अगर हमारा ग्रोथ हो जाए। अगर हम लोग स्लो ग्रोथ किसको बोलेंगे, स्लो ग्रोथ मतलब 1 से 4 सप्ताह लगे, 1 to 4 वीक लगे अगर फंगल को ग्रोथ करने में, उसको बोलते हैं स्लो ग्रोथ। अब बात आती है रैपिड ग्रोथ के एग्जाम्पल्स कौन से हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, मतलब जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कॉज करते हैं वह रैपिड ग्रोथ करते हैं। फिर बात करते हैं यीस्ट का या सेप्रोफाइट्स का, ये लेस इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द एजेंट ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। तो ये हुआ सेप्रोफाइट्स, यीस्ट एंड द एजेंट ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, मतलब जो अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस कॉज कर सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस क्या होता है, डेफिनेटली जिसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए
अपने डिजीज को कॉज करने के लिए, मतलब जनरली नहीं होगा, जैसे एचआईवी के केस या इन सब के थोड़ा इम्यूनिटी सप्रेस होगा तब होता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस, क्योंकि जिसके एजेंट होते हैं वो रैपिड ग्रोथ करते हैं। स्लो ग्रोथ की बात करें, स्लो ग्रोथ कौन करता है, हमारे डर्मेटोफाइट्स करते हैं स्लो ग्रोथ, आपको पता है डेफिनेटली। सिस्टमेटिक माइकोसिस वाले जो फंगाई होते हैं वो करते हैं, या सबक्यूटेनियस माइकोसिस के भी एजेंट करते हैं, स्लो ग्रोथ ही करते हैं। तो डर्मेटोफाइट्स हो गया हमारा एजेंट ऑफ द सबक्यूटेनियस माइकोसिस हो गया, या सिस्टमेटिक माइकोसिस के एजेंट हो गए, ये सब क्या करते हैं, स्लो ग्रोथ करते हैं। फिर बात करते हैं पिगमेंटेशन, जल्दी आपको पिगमेंटेशन देखना कैसे है, तो आपको रिवर्स साइड ऑफ द कल्चर देखना है, मतलब कल्चर के पीछे से देखना है, इट कैन बी सीन ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द कल्चर मीडिया, ये हुआ पिगमेंटेशन। फिर बात करते हैं टेक्सचर का, टेक्सचर मतलब देख मैंने आपको बताया कि अगर आपको फील टच करने का मौका मिले तब आपको कैसा फील होगा, उसको बोलते हैं टेक्सचर। यहाँ पर तो टच करना पर नहीं है लेकिन बस फील करना है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्लैबरस हो सकता है, वॉल्वेटी हो सकता है, यीस्ट लाइक हो सकता है, या कॉटनी, या आपको लॉन्ग एरियल, या कॉटनी में लॉन्ग एरियल हेफे दिखते हैं, या ग्रेनुलर हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेक्सचर होते हैं, ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि टेक्सचर के बिहाफ पर हम लोग कॉलोनी को देखते हैं और कुछ ये तरह के हमारे टेक्सचर होते हैं। देखिए यहाँ पे ग्लेवरस में वैक्सी दिखता है, वॉल्वेटी आपको पता है, वॉल्वेट नाम का क्लोथ जो होता है, फैब्रिक होता है, जैसा दिखता है वैसा दिखता है। फिर कॉटनी की बात करें तो कॉटनी मतलब लॉन्ग एरियल हाइफी, अभी हमने देखा कॉटनी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे किसका, हिस्टोप्लाज्मोसिस का। तो ग्रेनुलर मतलब सिंपली यहाँ पर है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है यीस्ट लाइक का, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए टेक्सचर में क्या क्या आती है। फिर बात करते हैं कॉलोनी टोपोग्राफी के बारे में, तो कॉलोनी टोपोग्राफी में सिंपली आपको देखना है कॉलोनी का सर्फेस, तो बहुत से टाइप के सर्फेस होते हैं यहाँ की, मैं कुछ मेंशन कर रहा हूँ जैसे रुगियोस, फोल्डेड, व्यूरिकोज या सेरेब्री फॉर्म। रुगियोस का स्ट्रक्चर देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखाई देता है, रेडिएटिंग होता है। फिर बात करें हम लोग सेरेब्री फॉर्म या वेरिकोस का, इसमें क्या होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, हालांकि जब रियल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ ब्रेन का पार्ट है। फिर फोल्ड होता है, ये अम्बुनेट है जो कि थोड़ा सा अम्बेला सा दिखाई देता है, इसमें थोड़ा कम क्लियर है क्योंकि यह पेन पेंसिल डायग्राम है, अगर सीडियम देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से हम लोग कॉलोनी को कल्चर करते हैं। तो यहाँ पे पूरा कॉलोनी कल्चर खत्म हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।